सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। 130 करोड़ की आबादी के गार्जियन है प्रधानमंत्री। जनता कर्फ्यू का फॉर्मूला यूं ही नहीं दिया पीएम ने, 22 मार्च को संकल्प और संयम का टेस्ट है। अगर हमने इस चैलेंज को पूरा किया तो कोरोना को हराने की हमें ताकत भी मिलेगी। प्रधानमंत्री के संदेश के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया और जो रिस्पॉन्स आया उसे सुनिए, तब पता चलेगा कि कोरोना का खतरा कितना बड़ा है और इसके असली मायने क्या है। सबसे पहले बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन की इन बातों को सुनिए। प्रॉब्लम यह है कि हम सब जीनियस है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि हमें किसी की सुननी ही नहीं। सुबह शाम नेटफ्लिक्स एंड चिल के सपने देख रहे हैं, लेकिन जब 2 हफ्ते घर बैठने को मिल रहा है तो हमें काम पे जाना है। प्रेजेंटेशन, सबमिशन, रिपोर्ट, मार्च एंडिंग, इकोनॉमी गिर जाएगी। जब मीटिंग में फोन नीचे छुपा छुपा के टिकटॉक इंस्टा करते हो तब नहीं गिरती इकोनॉमी। सारी बड़ी कंपनियां कह रही है वर्क फ्रॉम होम, लेकिन नहीं, हमने ठेका लिया है इकोनॉमी बचाने का। अरे इकोनॉमी गिरेगी तो सबकी गिरेगी ना भाई, मिलके संभाल लेंगे। और जो लोग पार्क में वॉक करने के लिए निकल लिए ना, फूफा जी के घर पे जा रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, टर्फ पे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियां नहीं चालू हो गई, कुछ तो शर्म कर लो। आईपीएल, प्रीमियर लीग, एनबीए, F1, कॉलेज, स्कूल सब बंद हो गए। अरे भाई पिक्चरों की रिलीजें रुक गई है, लेकिन आप नहीं रुकोगे। रेस्टोरेंट पापा ने टेंशन में थे कि सबसे पहले उनका धंधा बंद होगा या इनकी दुकानों के बाहर लाइनें लगी हुई। 11 बजे तक बंद होने वाले रेस्टोरेंट 2-2 बजे तक खुले हुए हैं। अरे निब्बा निब्बियो, एक एक बाइट आइसक्रीम खाने से प्यार जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन प्यार करने के लिए बचोगे तब ना। फिल्टर लगा लगा के अपने फोटोज पे कैप्शन डालेंगे, स्ट्रॉबेरीज, न्यूट्रेला, फ्रोजन योगर्ट, हेल्पिंग मी बीट दिस कोरोना स्ट्रेस। अरे असली कोरोना स्ट्रेस तो शुरू भी नहीं हुआ है, फेज 3 पहुंच गया ना एक बार, तो उसी फोन पे गूगल करके देख लो, चाइना और इटली की न्यूज देख लो, समझ में आ जाएगा कोरोना का स्ट्रेस होता क्या है। जब मोदी जी बोल रहे हैं, ट्रंप भाई साहब बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कर लो, कुछ दिन दूर रह लो, तो सुन लो ना, इनको आता है। डॉक्टर फॉकी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है वायरसों का, वो भी बोल रहे हैं कि अगर ओवर रिएक्शन भी लग रहा है ना तो भी घर बैठो। और यहाँ लोग ट्रेन पकड़ पकड़ के आ रहे हैं जो बीच पर पाव भाजी खाने। फॉकी देख लेगा ना तो नौकरी छोड़ देगा, डिप्रेशन में आ जाएगा बेचारा, और यही करते रहे ना तो ट्रेनें भी बंद हो जाएगी। इटली वीडियो बना बना के भेज रहा था दुनिया को कि उन लोगों को बता पाए कि इन लोगों ने 10 दिन तक क्या गलतियां की। हम वही कर रहे हैं अभी। दोस्त फोन करके ड्राइव पे जाने के लिए बोले ना तो उसको भर भर के गाली दो, खुद भी बैठो और सबको बोलो घर बैठे अपने अपने, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सबको बताते जाओ जब तक कि गवर्नमेंट कोई गुड न्यूज नहीं बताती। इलाज बन रहे, वैक्सीन पैर में जा चुके हैं, सब पे एक साथ आई है मुसीबत, सब एक साथ मिलेंगे तो निकल जाएंगे इसमें से। खुद पे और दूसरों पे भरोसा करो ना, प्लीज पार्टी मत करो ना, ट्रैवल मत करो ना, लोगों को मत मिलो ना, नेटफ्लिक्स अकेले करो ना, घर से काम करो ना, घर पे काम करो ना, घर के काम करो ना, अभी शादी मत करो ना, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो ना, मेडिटेट करो ना, वीडियो कॉल करो ना, हैंड वॉश करो ना, फेस टच मत करो ना, फेस मास्क यूज करो ना, GFBF को अभी मत मिलो ना, नमस्ते करो ना, सबसे दूर रहो ना, करो ना स्टॉप करो ना। कार्तिक आर्यन जो कह रहे हैं उसका असर सामने आ गया। महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा इन्फेक्टेड लोगों के सामने आने के बाद मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवार और नागपुर पूरी तरह से आज रात 12 बजे के बाद बंद कर दिए जाएंगे। जरूरी सामान और जगह जैसे बैंक, मेडिकल, अनाज, दूध के केंद्र, इन सब को छोड़कर सारी दुकानें 31 मार्च तक बंद रहेंगी। खतरा बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री के जनता कर्फ्यू वाली मुहिम के साथ पूरा बॉलीवुड जुट गया है। मैसेज डायरेक्ट है, कोरोना को हराना है। मुंबई एयरपोर्ट के लोग जो सफर से लौटे, जिनका एयरपोर्ट पे टेस्ट किया जा रहा है, जो कोरोना टेस्ट में लो रिस्क कैटेगरी में है, उन्हें एक स्टैंप लगा के होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है या होटल भेजा जा रहा है। ये समझा के कि 2 हफ्ते सोशल डिस्टेंस बना के रखे एज अ प्रिकॉशन अपने लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए। लेकिन बिलीव इट और नॉट, होम क्वारंटाइन का ठप्पा लगाने के बावजूद इनमें से कुछ यात्री न सिर्फ शहर में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, छुट्टियों पे जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। किस तरह की सोच है, क्या मानसिकता है, क्या समझ नहीं आ रहा लोगों को? भाई साहब, बहन जी, कोरोना वायरस छुट्टी पर नहीं, काफी जोर शोर से काम कर रहा है, ओवरटाइम कर रहा है, इस रेस में वो आगे चल रहा है, लेकिन रेस अभी बाकी है, जीता नहीं है, हम जीत सकते हैं। अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, आलिया भट्ट, बॉलीवुड की हर पीढ़ी बस यही इल्तजा कर रही है, कोरोना की हकीकत को समझो और हराने के लिए तैयार रहो। छींकते और खांसते समय रुमाल या टिश्यू से अपना मुंह ढकें और फिर उसे किसी बंद डब्बे में फेंक दें। अगर किसी स्थान पर हाथ धोने की सुविधा ना हो तो अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर
हाथों पर मले।